एक काम करते हैं, माइनस का साइन ना लिमिट से बाहर ले आते हैं, और आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए क्या कि ये माइनस क्यों आ रहा है। ये माइनस इसलिए आ रहा है ना, आप किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो, कॉट का। कॉट का क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव, इसलिए ये माइनस आ गया अपने आप। ठीक है, तो हाँ क्वेश्चन को तीन पार्ट में, ये माइनस मैंने बाहर ले आया, तो साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, देखिए ये हो गया। अब क्या करते थे, इसको ऐसे शिफ्ट कर देते थे वन बाय करके, तो वन बाय करके इसको से शिफ्ट कर दिया, ये चाहे साइन का फॉर्म हो या कॉस का, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में वो कॉस का था, ठीक है, इनटू ये हो गया। और तीसरा पार्ट क्या होता है, वन बाय एच वाला, तीसरा पार्ट क्या होता है, वन बाय एच वाला। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखिए अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, क्या बताया था मैंने, साइन को अपने नीचे क्या चाहिए, यही चाहिए, तो ये ऐसे किया और रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स से साइन में, साइन के नीचे डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं ऐसे, तो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये मल्टीप्लाई किया। अब ये तो फॉर्मूला बना देगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, इसका क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। यस, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रूट एक्स प्लस एच, ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर ने भी उसके, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ठीक है, तो रूट ओवर एक्स प्लस एच प्लस रूट ओवर एक्स। ठीक है, अब देखिए ये दोनों मिलके क्या करते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो बना लेते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स। ठीक है, देखिए ए प्लस ए, ये रूट एक्स प्लस एच कैसा बिहेव कर रहा है, ए जैसा, और रूट एक्स कैसा बिहेव कर रहा है, बी जैसा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि देखिए यहां पे मैं कर दे रहा हूं, वहां मैं पुट करूंगा, x प्लस एच का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो x प्लस एच माइनस x, x x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, h, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, h। ठीक है, तो ये आ गया मेरा h डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है मेरे पास साइन रूट एक्स प्लस एच इंटू साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट x। ठीक है ना, और देखिए ये h यहां बैठा हुआ है, तो इस h को मैंने ऐसे ही लिख दिया, और साथ में आपके पास 1 by root over क्या है, x plus h root over x plus h plus root x है। ठीक है, ये h से h कैंसिल हो गया, अब लिमिट तीन पार्ट्स में लगेगी, एक इसमें लगेगी, एक इसमें लगेगी, और एक इसमें लगेगी, लगा दीजिए is equals to minus of लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो साइन रूट ओवर x प्लस एच माइनस रूट ओवर x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस एच माइनस रूट x इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो वन बाय साइन रूट ओवर x प्लस एच इनटू साइन रूट x इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, ये जो कुछ भी है क्या है, ये वन ओवर, थोड़ी सी जगह कम है यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से, रूट एच एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ठीक है ना, नाउ अब देखिए क्या हो जाएगा, आप इसको फिर से वही काम करना है, थीटा ज़ूम करके दिखाओगे। ठीक है, और वैसे तो आप लोगों को पता है इतने सारे क्वेश्चंस की ये वन हो जाएगा, बट आप दिखा दो भाई थोड़ा सा, रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स इज इक्वल्स टू थीटा लेट। ठीक है, तो एज एच अप्रोचेस टू जीरो, तो therefore theta also approaches to zero, क्यों, मैंने बताया ना h जिसको भी approach करता होता है वो value रख दो यहाँ ले आके, तो क्या हो जाएगा, root x plus h की value zero रखो, तो root x minus root x zero, तो theta zero, तो theta also approaches to zero, तो minus limit theta approaches to zero, और ये हो गया क्या, theta, तो sin theta by theta into इस पे limit apply कर दे रहा हूँ मैं, one upon sin
रूट ओवर एक्स प्लस एच की वैल्यू जीरो इंटू साइन रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स प्लस एच की वैल्यू जीरो प्लस रूट एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस लगा है लगा दिया और ये पूरा कितना हो जाएगा वन इंटू वन ओवर साइन रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, क्योंकि एक्स प्लस जीरो एक्स होता है तो रूट एक्स इंटू वन बाय रूट एक्स प्लस रूट एक्स टू रूट एक्स, ठीक है माइनस वन, देखिए इसको वन इंटू वन लिख सकते हो वन बाय साइन कॉस एक्स, वन बाय साइन कॉस एक्स, और देखिए थीटा क्या है रूट एक्स है तो थीटा लिखती हूँ इंटू वन बाय टू रूट एक्स, ठीक है ना। तो क्या हो गया माइनस तो ये है, ये वन हटा भी सकते हो, माइनस कॉसेक इंटू कॉसेक कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो क्या आ गया माइनस वन बाय टू रूट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। डायरेक्ट कैसे करोगे सिंपल देखिए जरा, ये किया मैंने डी वाई बाय dx is equals to क्या हो जाएगा, क्या बताया मैंने, पहले क्या करोगे आप पहले पूरे का कर लो, तो पूरे का करने के लिए इसको छुपा लोगे, cot का क्या पढ़ाया गया आपको cot x का minus cosec square x, तो cot का क्या हो जाएगा इसको छुपा लो, पहले पूरे का कर लो इसको छुपा लो, cot का क्या होगा minus cosec square x, अब पूरे का कर लिया अंदर का करोगे root into करके root x का derivative क्या होता है one by two root x into x का भी कर लो क्या होता है वन, तो क्या हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलूंगा, थैंक यू।